सिंचाई परियोजना का पानी अपने खेतों तक पहुंचाए जाने की मांग को लेकर ट्रैक्टर ट्राली व दो पहिया वाहनों से स्थानीय बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा के समक्ष एकत्रित होकर कतार में रैली निकाल जिला कलेक्टर परिसर पहुंच अपनी मांगों का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बंडोल सर्किल के गाँव खाम खरेली घाट पिपलिया सिहोरा बलारपुर थावरी सालीवाड़ा डुगरिया सहित अन्य गांवों के सैकड़ों मजदूर किसान महिलाएं अपने खेतों से यहां पहुंचे हैं और 10 दिवस के अंदर मांगों पर सुनवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। यहां पर विशेष उल्लेखनीय है कि किसानों की मांगों का संयुक्त किसान मोर्चा के घटक ओबीसी किसान मोर्चा अखिल भारतीय किसान सभा भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय किसान मजदूर महासभा ने भी समर्थन किया है। किसानों की उक्त मांग पर ओबीसी महासभा ने पूर्व में भी उक्त मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंप मांग कर चुके हैं। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। बताई जा रही है जिसमें वन भूमि क्रॉस करनी पड़ेगी, दो बार धामा रोड क्रॉस करना पड़ेगा, लंबाई 4 किलोमीटर घुमाकर आने से नहर में पानी का स्तर आधा मीटर नीचे उतर जाएगा। खाम खरेली बांध के किनारे किनारे नहर से पानी ले जाकर जो रकबा खाम खरेली बांध से सिंचित है उसे पुनः कमांड एरिया में जोड़ा जा रहा है। इससे किसान का भला नहीं होगा और लागत भी अधिक आएगी जो कि जनता के पैसों का दुरुपयोग है। तीसरा, खाम खरेली क्रेशर के पीछे से ग्राम खाम खरेली सिहोरा घाटपरिया सालीवाड़ा बलापुर डुमरिया थावरी ग्रामों को बेच नहर परियोजना से वंचित किया जा रहा है जबकि हमारे ग्रामों के समानांतर नहर होते हुए आगे जा रही है। ये सभी ग्राम हजन आदिवासी बाहुल मादा पैकेट के सिहोरा क्लस्टर के ग्राम है। इन सभी ग्रामों का जल स्तर अत्यंत गिरा हुआ है, इसमें इन ग्रामों में पेयजल की भी समस्या होती है। अतः मान्यवर से निवेदन है कि उक्त मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।